विघ्न विनाशन सो दिठे मन धीय किल विख बइयन दूरे सो क्यों विसरै मैं जो रहया पर पूरे सो क्यों विसरै पर पूरे सतनाम वाह श्री वाहिगुरु साहिब जी वाह श्री गंगा कर में पी प्राप्त इमके आवत मोद उपाए कितक होत सिख नवे दरस कर वाह वाह कितक प्रथम के पहुँचे ताए परम सलमान आवर साहिब कमाल बारगाह इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलांच विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी की महान इनायत का सदका साढ़े सार्या के सिर ते मरामतमई रखे हाथ का सदका जीवन का अज का दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन की जो नवे जन्म समान है शाम अजीज़ उल नवाज गनीम उल खराज बादशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दे चरण कमलों की खाक दे नाम करना नसीब होया सतगुरु जी की मेहर सदका सोधर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रहरास आरती अरदास ते फिर सदाए खास महाराज जी दे पावन हुक्मनामे कोई जन हर स्यों देवे जोर चरण गहों बकों शुभ रसना दीजै प्राण अकोर अपनी चोली वेच पवाए हन कुछ समा होर साहिब कमाल मेरिया पीरिया दे दाते सेवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे मुबारक जीवन दर्शन बाबाणियां कहानियां गुरु इतिहास विचार राही गुरु दीदार दी प्राप्ति हो सके एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके इसलिए जितने माता प्राता हाजरीन हाजरी पर रहे हो पेशतर दोहां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़ दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलां ते टिकिया है ते साहिब जिया ने मेहर भरिया हाथ साडे सिर ते रखिया होया
गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदिआं चरण चुमदिआं होइआं गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बणाईए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदिआं इतना आपने प्रेम सहित सरवण किया कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज कांगड़पुर तो भाई जोध राय जी ने उन्होंने संगियां साथियों तो बाबा जी तुम्हें तो माइक दे दिए तुम उन जी बोली जाते हो बैठ जाओ गुरमुखो बैठ जाओ बैठ जाओ। और गुरु के महान निवाजे हुए गुरसिख भाई साधु जी भाई रूप चंद जी उन्हां सारयां दे सेजल नेत्र छड़ के बिरह कुंठे हिरदिआं नूं धीरज दे के महाराज श्री करतारपुर साहब वल नूं पधारे हन। रस्ते विच जिला लुधियाणा विच पैंदा नगर गुजरवाल आया शाम हो गई सी महाराज जी ने उत्थे पड़ा कीता बहुत सारिया संगतां नूं खबर होई कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी पधारे हन। उन्हां नूं चाह चढ़िया उन्होंने सोचा भी घर विच ही महाराज जी की चरण गंगा आ पहुंची है तो झटपट इस विच इशनान किया जाए क्योंकि महाराज जी की आमद की पहले कोई खबर नहीं सी इसलिए जो जिस दे सामने नज़र आया दुध दही घ्यो मक्खण अनाज पैसा टका होर जो साजो समान बस्तर आदक वो सतगुरु जी नूं अर्पण करन वास्ते लै के पहुँचे। और इत्थे दा एक बहुत प्रफुल्लित होया होया किसान सी राहक खेतीबाड़ी करन वाला चंगी वड्डी जागीर दा मालक नाम फतोई करके इस दा आया ये भी महाराज जी दे दर्शन लई मन विच मोद पैदा करके प्रसन्न हो के ते चंगियां पेटावां लै के महाराज जी दे दर्शन लई आया। सोहनी कलगी इसने लगाई हुई सी चंगे नाल नौजवान घोड़सवार और हाथ ते इसने बाज भी बैठाया होया सी। उन्हां दिनां विच खेड़ बिरत करन वास्ते जिथे नाल चंगे शिकारी कुकर आदक रखते सन उत्थे नाल बाज भी रखते सन और बाज एक सत्ताधारी होण दा प्रतीक भी सी। इस ढंग दे नाल महाराज सच्चे पातशाह दे गुजरवाल गुरु सर दे कोल चरण पए हन। बहुत सोहना भाई साहब जी ने लिखिया है सरवण करिए पेस्तर अपनी रसना ते गुरु साहिब जी दे चरण पवांदिआं होइआं महाराज जी का नाम उच्चारण करो आखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। एक बारी फिर सारे आखो जी धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। हाँ जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री गंगा कर मैं पी प्राप्त। इस तरह ये तो चरण गंगा महाराज जी की घर में ही आ गई।
गंगा तो मुराद है पवित्र धारा, पवित्र प्रवाह। बड़ा सोहना एक आलम ने इसका खुलासा करदिया लिखिया, वो कहिंदा एक गंगा एक रात दे प्रौहणे परवाने दे प्यार चो निकली। उस विच उस गंगा विच इशनान करके ते परवाना अपना जीवन सदके कर गया। एक गंगा एक रात दे प्रौहणे परवाने दे प्यार चो निकली। एक गंगा शिवजी दे केसों एक खंडे दी तार चो निकली। ये सारे बहाव ने पवित्र बहाव। भागीरथी गंगा जो जिथे महाराज ने कंगन पाए ने अपने, गंगा दियां सुनिया कलाइया नू सुहागण वर्गा बना दिता। ये भागीरथी गंगा है। एक गंगा शिवजी दे केसों एक खंडे दी तार चो निकली। एक प्रवाह अमृत दा गुरु गोबिंद सिंह जी दे खंडे चो प्रगट होया। इसनों भी अमृत दी गंगा आख्या जा सकदा। एक गंगा अरदास चो निकली। गुरु चरणा विच सिख दे हिरदे दियां भावनावां दा बहाव पहुँच गया अरदास राही। एक गंगा अरदास चो निकली। फिर एक सतगुर दी बख्शीश चो निकली। गुरु दी बख्शिश चो भी सिख दे जीवन विच खेड़े प्रसन्नता खुशियां बनियां रहन। ये बरकतां दी गंगा गुरु दी आसीस चों प्रगट होंदी। बड़े सोहने उस दे बोल ने, एक गंगा अरदास चों निकली, एक सतगुर दी बख्शीस चों निकली। पर अणख दी गंगा जदों में निकली गुरसिखां दे सीस चों निकली। इस तरह ये प्रवाह हन गुरु पातशाह जी दे चरणा दा जल, उन्हूं चरण गंगा कहते। एक ऐसा निर्मल प्रवाह जो सिख दे सरधालू सिख दे जन्मां जन्मां दे रोग ते सोग मिटा देंदा है, इनू चरणामृत भी कहते। सारिया ने सोचा बई ये महान पवित्र चरण गंगा साढ़े कोल ही आ गई है, चल के घर आ गई है। श्री गंगा घर में पई प्राप्त, इम कै आवत मोद उपाय। इस तरह चा नाल उत्साह नाल प्रसन्नता नाल भर गए सुन के कि गुरु आया। मन चाओ पया आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सुख दुख ना व्यापे सोग दुख ना व्यापे। गुरचरण लागे दिन सभागे अपना पिर जापे। अनहद बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलया, करण कारण जोगो। ऐसी महान आत्मक बुलंद बख्शिश प्राप्त हुई होवे ते फिर चाह क्यों ना होवेगा, उत्साह क्यों ना होवेगा। सब चाह उत्साह सहित पहुंचे हन। हाँ जी, इम कहे आवत मोद उपाए। इस तरह बड़े चा नाल सारे आ रहे हन, कह कह के एक दूजे नूं बई महाराज दी चरण गंगा ता साडे नगर गुजरवाल विच आ गई। ये गरेवालां दा पिंड सी, फतूही गरेवाल सी। हाँ जी, कितक होत सिख नवें दरस कर। कुछ होर सिख नवें महाराज जी दा दर्शन करके चरणामृत ग्रहण कर रहे। जैसे गंगा जिथों लंघदी है धारा जल दी, वो इलाके दे दोहां किनारियां नूं सरसबज कर दी जाती, हरा भरा कर दी जाती है।
इस तरह सतगुरु जिथों दी लंघे ने हिरदिया नूं हरिया भरिया करदे गए, प्रफुल्लित करदे गए, आनंद नाल भरदे गए। बड़े सोहणे एक महात्मा पुरख दे दो बोल ने, वो कहिंदा नदी संत अर मेघुला चले पयंगम चाल, दरिया टेढ़े टेढ़े चलते ने। संत भी सीधिया मंजिलां तय नहीं करते, 100 मील इधर नूं 200 मील इधर नूं, होर अगों संगतां उड़ीकदियां ने उधर नूं चल पैंदे। जैसे देख लो, अगर महाराज साहिब खुद भी सीधे पटना साहिब आउंदे ते फिर सासा राम रस्ते विच नहीं सी, महाराज ने सफ़र टेढ़ा कीता, उत्थे चाचा फग्गो मल जी उड़ीकदे पए सन। इस तरह प्रयागराज सीधा सफ़र नहीं है, होर महाराज जी दे चरण पए। जाना तो दिल्ली सी पर महाराज पहले आगरे आए, 200 किलोमीटर होर इधर आके अपनी गिरफ्तारी दिती। नदी संत अर मेघुला चले पुयंगम चाल, बदल महापुरश ते दरिया इन्हां दे रस्ते बिल्कुल नक दी सीध नहीं आउंदे। इन्हां दा चलना संसारी नज़र नाल टेढ़ा हो सकता है, वक्र चाल हो सकती है, पर असलियत यह है भई जय जय नगरी पग धरें तह तह करत निहाल। जिधरों दी दरिया लंघदे ने हरियालियाँ खुशहालियाँ ते सरसबज करदे हुए जांदे ने। इस तरह बदल जिधरों लंघदे ने जे बरसण ना ते थोड़ी साया तक कर ही जांदे, ते साधु जिथों लंघदे ने उत्थे सचखंड दियां पौड़ियां चढ़ा के जांदे, भाव जीवन नूं पवित्र करके उन्हां दा जीवन सचखंड वर्गा स्वर्ग वर्गा बना के जांदे। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह भी उधरों जे सीधे चलदे ते फिर सीधा रस्ता उन्हां दिनां विच जीरा मखू हो के ते करतारपुर जांदा सी, पर महाराज पहले लुधियाणे वल नूं आए। इसलिए संगतां बहुत खुश ने भई महाराज ने गुजरवाल चरण पाए हन ते दोवें किनारे हरे हो रहे ने। जिहड़े पहलां दे सिख सजे होए ने उन्हां दा हिरदा भी आनंदित हो रहा है, और नवें सिख जिहड़े बनते जा रहे ने वह भी आनंद नाल भर रहे हैं। इस तरह खुशियां वरत रहियां हन। तक प्रथम कै पहुंचे ताए, नवें सिख भी सज रहे ने ते पहलां सिखी धारण किते हुए वह भी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। रहत पीर नित संगत की, सदा संगत दा वड्डा इकट्ठ बनिया रहिंदा है। बहु दर्शन बिन करे बर पाए, और इस तरह महाराज जी दे दर्शन करदे ने, बेनतियां करदे ने और वरदान प्राप्त करदे हन। अन्न दुगद दद दरब दुकूलन, कोई अनाज कोई दुध कोई दही कोई धन कोई वस्त्र आदक, तुरंग शस्त्र हित चहे अर पाए, कोई घोड़े कोई शस्त्र ज्यो जी समर्था है महाराज जी दे चरणां च लै लै कर पहुंच रहे हन। तह को राहक बदियो तो बहो, इस नगर दा किसान फतूही करके जिदा नाम है वो बहुत प्रफुल्लित सी, बड़ा धनवान सी। सुनी ताहे सुध गुर भगवान, उन्हें भी सुनिया भई भगवान स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप सतगुरु जी डेरा करियो आन कर बाहर, उन्होंने नगर गुजरवाल तो बाहर आके पड़ाव किता है। हरख हृदय उपजाए महान, उदे मन विच भी बहुत वड्डी खुशी बनी, लगदा है पहले गुरु घर का श्रद्धालु रहा होया या महाराज जी बारे जानता होगा, महाराज जी की महिमा तो प्रभावित होगा, ता ही
बहुत खुश होया है। पिछले पहर दिवस को आयो, इस तरह दिन दा पिछला पहर आ गया लोडा वेला। नरगन संग लिए सब धान, बहुत सारे अपने इसने अंगरक्षक ते नाल सहायक ते नाल होर अमीर आदक जड़े इहदे वर्गे सन ते अपने सैनिक नाल लै करके अधिक उपाय ने अर्पण के हित, और बहुत सारियां भेटावां भी महाराज नूं भेटा करन वास्ते अपने भले लई लियाए सदन ते रुच को ठान, बड़े चंगे प्यार नाल अपने घरों लैके आया है। खड़ग सिपर निज अंग बंद कर, अपना शरीर भी इन्हें सोहने बस्त्र पा के ते सोहने शस्त्र सजा के खड़ग ढाल अपने धारण करके, बाज हाथ पर लिए लियो बिठा, ते अपने खब्बे हाथ ते बाज भी बिठाया होया। शिकार करन वाला शिकारी पंछी बाज इने नाल लिआंदा है। कुछ कुकर अपने संकर कर, कुछ शिकारी कुकर भी इहदे नाल हन। शिकार वास्ते भी इन्हें सोचा भी महाराज नूं मत्था टेक के भेटा करके फिर महाराज नूं बेनती करांगा भई आपां शिकार करन चलीए, महाराज जी दे नाल शिकार करांगा। बिरत अखेर समाज बनाए, अखेर बिरत शिकार दा सारा साजो समान नाल लैके, गुर को मिल पुन चलह बहर को, सोचा महाराज जी नूं मिल के बेनती करांगे भी शिकार नाल चलो, ते जे ना भी गए ते आपां शिकार नहीं चले जावांगे। करह शिकार सदन तब आए, कोई ना कोई शिकार करके फिर अपने घर आवांगे। इमके चढ़ तुरंग पर पहुंचियो, इस तरह फिर घोड़े ते चढ़ के आ पहुंचया है। कितक सौर संग दुत पाए, कुछ होर भी घोड़ सवार सैनिक दे नाल बड़ी शोभा पा रहे हन, इहदी बड़ी शोभा वध रही है। गुरु शिवर के निकट उतर कर, गुरु पातशाह जी दे पड़ाओ दे कोल उतर के, आ गए कर अकोर समुदाय, भेटावां सेवकां नूं पकड़ाईयां होईयां हन, ओह नाल लैके अगे अगे चल रहे हन। पहुंच समीप गए पग पंकज, इस तरह दे नाल लागे महाराज जी दे पहुंच के ते महाराज जी दे चरण कमल पकड़े हन। बंदन आ गए कर अकोर समुदाय, और अगे रख के बंदना कीती है बहुत सारे दे जितने नाल हन। बंदन आ गए कर अकोर समुदाय, और इस तरह दे नाल पहुंच समीप गए पग पंकज, बंदन पयो करी शीश को न्याय, सिर निवाया ते बंदना कीती है। बैठियो निकट बिकट पग पट गोरे के, विशेष सूरबीर बचन के बली दल पंजन गुरु सूरमा वट जोदा बहु परोपकारी उन्हां दे कोल बैठिया है। देखत पयो सिर समताए, देख के ज महसूस कर रहा भी किसे बहुत भारी वड्डे तकड़े बब्बर शेर दे कोल मैं बैठा हाँ। रण की बात बूझ हर खायो, किवें जंग होया उस जगह महाराज दा, किवें गुरु सर महाराज दा जंग होया वह भी सारा पुछ रहा है ते बड़ा खुश हो रहा है। विधि चंद सब कही सुनाए, बहादुर बाबा विधि चंद जी ने सारा बिरतांत सुनाया भी इस तरह होया इस तरह युद्ध होया। श्री हर गोविंद कुशल प्रश्न कर, धन गुरु हर गोविंद साहब महाराज जी ने कुशल मंगल पुछया भाई ठीक है का परिवार ठीक है का है, इस तरह इसने भी महाराज जी कोलों पुछया है। कर पर बाज बिलोकन की न, साहिबे कमाल महिमा दे मालक मेरियां पीरियां दे दाते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने देखिया हाथ ते बाज भी बिठाया है, रेशम दी डोरी पा के और बड़ा सोहना बाज अपने हाथ ते बिठाया होया,
ते महाराज जी ने सवाल किया, बूझत पै कहो यह कस है। महाराज कहन लगे, आ जड़ा फतूही तू बाज अपने बाँह ते हाथ ते बिठाया होया किहो जिहा हैगा, चंगी नस्ल दा है? इस आदक महाराज जी ने पुछया है। कह बिहंगम कित थल कित बल पीन। महाराज कहन लगे, किस तरह ये गह बिहंगम किम बल पीन, किवें बड़े बल नाल वड़े वड़े बलवान पंछियां नूं फड़दा है कि नहीं फड़दा है? सी छत करियो कि नहीं अब लो। इस नूं हुण तक तुसी शिकार करना सिखाया है कि नहीं सिखाया? ट्रेंड है बाज के या अनट्रेंड है? ते आए किधो मुल लीना। ये थानू कितों मिलिया है, किसे दिता है के मुल लिया है? कितक काल को तुम समीप है। फतूही किन्ने क देर तो ये तेरे कोल हैगा है? करने अखेर शौक चित लीना। या फिर तू कोई शिकार दा शौक रखदा है इस करके बाज लिया होया है? नाम फतूही राहक को ते। जिहड़ा फतूही नाम दा किसान है। कहत पयो सुनिए महाराज। इसने सोचा भई महाराज मेरे बाज दे वड्याई करदे पए, भई मेरा बाज बड़ा वधिया, इन्हें पालिया भी चंगा सी, संभालिया भी चंगा सी, ते सांभ के रखिया सी, ते हर तरह नाल इहदी सेवा भी करदा सी। आख्या महाराज फिर सुनो एदे गुण। दूर देश को मुझ टिगया। आख्या महाराज किसे विलायत देश दा प्रदेश दा दूर किसे इलाके दा मेरे कोले आया है। एहो सुंदर सी छत है बाज। बड़ा सोहना भी है, तकड़ा भी है, ते महाराज बड़ा सुशिक्षित भी है, सिखिया होया, एवें नहीं है, इहनू शिकार करना मैं चंगी तरह सिखवाया होया है। छपटत बड़े बिहंगन गन को। महाराज सचे पातशाह ये वड्डिया वड्डिया पंछियां ते चपटा मारदा है। हाँ जी। राखियो मैं अखेर के काज। महाराज मैनु शिकार वास्ते रखिया होया है। बहु विध सो इस पारन करे हों। हर तरीके नाल मैं इहदी पालना करदा, जो खुराक इहदी है देंदा हां। जतन अनेकन को उपराज। अनेकां यतन करके भाव हर तरीके नाल इहदी सेवा संभाल करदा हां। खान पान इसको निज हाथन। मैं किसे ते नहीं छड़िया होया, एदा सारा खाना पानी अपने हाथ नाल इनू देंदा हां। करत रहूं मैं निकट रखाए। मैं सारी सेवा एदी आप रखदा करदा, ते अपने कोल ही रखदा हां। अधक अखेर तमास दिखावत। महाराज सचे पातशाह शिकार करन जदों लैके जांदा ते बड़े खेल करदा, पंछियां नाल खेलदा, फिर उहनां नूं चपटा मार के पकड़ लैंदा है। ओ खग चपटे नह बच जाए। महाराज सचे पातशाह ये बाज तां इहो जिहा है वी किसे कोल होना नहीं इहदे नाल, जिहनूं इक वारी चपटा मारदा है ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬਾਜਨ ਕੇ ਗੁਣ ਸਭ ਤਾਰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਕਰ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂ ਕਿਤਕ ਸੁਣਾਏ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਣਾ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਨਿਸਬਾ ਸੁਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਸਾਹ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਖੋ ਨਿਤ ਹੀ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ। ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਦੇ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ
ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਨਤ ਬਾਜ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਦੇ ਗੁਣੇ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਅਰਪੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅਜੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਤੂਹੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਫਲ ਅਤਿ ਸਹਿ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫਤੂਹੀ ਜਦ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਤੇ ਹਮਕੋ ਦੇਹੋ ਸੁਹੰਤ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾਦਾਇਕ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਰਹਿ ਅਖੇਰ ਸੰਗ ਇਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੂੰ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੇਰੇ ਗੁਣ ਜੇ ਤੱਕ ਬਰਨੰਤ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਪਟਤ ਹੈ ਵੱਡ ਬਿਹੰਗ ਕਿਮ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਝਪਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਕਰ ਬੇਗ ਉਡਤ ਪਕਰੰਤ। ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਫਤੂਹੀ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਫਤੂਹੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਭੇਟਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਝ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਜੋ ਆਖੋ ਲੈ ਲਵੇ, ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਨੇ ਊਠ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਝੱਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਇਤਨੇ ਬੈਲ ਭੇਜੋ, ਇਤਨਾ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਭੇਜੋ, ਇਤਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਆਉਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੱਟਪੱਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਤਨ ਚੰਗਾ, ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਇਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪਕੜ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ 'ਤੇ ਸੀਸ ਜੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਿਵਈਆ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ।
इस महाराज जी की रमज न समझना चाहिए, पर असी समझते है नहीं तो पदार्था नाल मोह करते। ये कह लगा महाराज मेरे को दिता नहीं जाना, अधिक प्रेम है इसमें मन को, महाराज मेरे मन का बड़ा प्रेम ए बनिया होया है, नहनारे मैं करूं कदा, महाराज ये मन का भी मेरे नाल बड़ा प्रेम है, मेरा हाथ ना होवे ते भोजन नहीं करता। महाराज कह लगे हो तू गल छड, भोजन असी आपे ही करा लवा, ये कई भोजन कर दे। पर दरअसल ये मन की पकड़ जकड़ ममता मोह महाराज दूर करना चाहते हैं, इसलिए क्या भी सानू दे दे। और इस मैं मन अधिक प्रेम है इस मैं मन को, नै न्यारो मैं करूँ कदाए, महाराज मैं कदी इस नू अपने तो जुदा नहीं कर सकता। देश विदेशन सगरी दिसते, नाले महाराज सच्चे पातशाह देशां विदेशां तो सारिया पासियां तो तुमको वस्तु चली गने आए, आप कोल कोई वस्तुआं दा या बाज दा या होर इस तरह दा कोई घाटा थोड़ी, थोड़े कोल तो होर बहुत आ जाणगे। मुझ टिकते एक ही बाज है, पर सच्चे पातशाह मेरे कोल तो इकला ये बाज या मैं कितों लेना है। ये मन को मैं रखूं बनाए, ये मेरे मन दा बड़ा प्रिय है ते मैं इनू अपने कोल रखना चाहुंदा हां। श्री गौर लखी कृपा ने यह मन को, महिमा दे मालक ने देख लिया भी मन दा कंजूस हैगा, क्योंकि कंजूस गुरु का सिख नहीं हो सकता। कंजूस तो सुपने विच भी जे कि सुपना आ जाए ना दान करन दा, ते उत्थे भी उठ के रोन लग पैंदा भई हाए मर गया, सुपने विच ही दान मैं कर दिता। सुपने विच भी दान नहीं कर सकता कंजूस का सुभाव। एक विद्वान ने बड़ा सोहना लिखिया भई सहन लगे हो जब रहन मैं सूम को, ताहे समय सुपना आयो भैया, के आना सीख करी द्विज ने, के राज रखे तोहे को जग मैया, देन लग्यो तब एक रुपया। सुपने विच कंजूस सी उन्हों ब्राह्मण ने आके आशीर्वाद दित्ती भई जगत माता तेरा राज कायम रखे, ते ओ पग दे पुराने लड़ चों एक सड़िया जिहा पुराना जिहा रुपया कढ के उन्हों देन लगा। तहे समय सुपना आयो भैया, देन लग्यो तब एक रुपया, सो तहे समय अखियां खुल गईया, के हाय रे दैया कहा कर दैया, जो जागना आती तो जातो रुपया। भई हे परमात्मा ये की कर दिता, जे किते जाग ना आती तो ब्राह्मण तो रुपया लै चलिया सी, मुड़ के कितों लियाउणा सी। सुपने विच भी कंजूस जड़ा है ना उहदे कोलों दान नहीं हो सकदा, भला नहीं हो सकता, लुट दा सकदा है पर दे नहीं सकदा। महाराज ने सोचा कंजूस सिख भी नहीं हो सकता, इस करके इहदी कंजूसी दूर करनी है। समझ गए महाराज, करियो बचन तिसको तत्काल। महाराज सच्चे पातशाह ने उस वेले बचन किया, जे गुरु उचित बसत कुछ होवे, आखन लगे जे गुरु दे वास्ते कोई उचित वस्तु होवे सो पहुंचेगी आए उताल, फतूही ओ ता आपे ही आके साडे कोल पहुंच जावेगी। मैं देवन को अप जस लेवन, पर जे तू नहीं दे रहा ते दे नाल तेरा कोई जस नहीं होना, सो प्राप्त ही होत विशाल, सगों जस वधदा देण नाल ते सानू ता होर बहुत मिल जावेगा। मूड फतूही लख न साकै, मूर्ख सी फतूही ते गल ना समझ सकया, अरे अभिबंधन उठ तब चाल, आखण लगा ठीक है महाराज सच्चे पातशाह पर मैनू आग्या दिओ मैं चलदा हाँ। आ मन भंग बेरस गुर संग, बड़ा बेरस जिहा होया ते बड़ा मन उदास होया महाराज जी का संग करन दे बावजूद भी अंदर कंजूसी होण करके। गयो ना
ਬਹਿਰ ਹਟਿਓ ਕਰਿਆ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡ ਪਿਖਿਆ ਡੇ ਪਰਿਆ ਬਾਜ ਬਿਠਾਏ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਵੀ ਢੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਮੰਚ ਪਰ ਥਰਿਓ ਤਦਾਏ ਆਪ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤ ਗੁਰ ਜਾਚਨੀ ਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਕੋ ਕਿਮ ਦਿਓ ਨ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਰ ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਏ ਕਰ ਗਮਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੈਣੀ ਕੀਏ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਬਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਿਦੈ ਵਿਚਾਰਤ ਬਾਜ ਨਿਹਾਰਤ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦ ਬਾਜ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕਰੇ ਸਮਡੋਰਾ ਤਿਸ ਪਾਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਡੋਰਾ ਬਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿਤ ਚੋਚ ਮੈਂ ਨਿਗਲ ਗਇਓ ਤਬ ਬਾਜ ਨੇ ਝੱਟ ਪੱਟ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਡੋਰਾ ਪਕੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਵੀ ਸਨ ਅੰਗੂਠੀ ਟਾਇਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੋਰੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੱਢ ਜਾਂਦੀ ਕੁਝ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦਿਖਰਾ ਦਿਖਤ ਫਤੂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਾ ਤਾਸ ਫਤੂ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਝੱਟ ਪੱਟ ਬਾਜ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਕੁੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖਾ ਲਈ ਤੂਰਨ ਕਰਤਿਓ ਗਹਿਤ ਰਹਿਓ ਤੇ ਉਹ ਝਟਪਟ ਦੌੜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਹੈ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਨਿਗਲਣ ਲੱਗਾ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂ ਤੇ ਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਹਿ ਬਚਾਵ ਹੋਇਓ ਪਛਤਾ ਪਰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕਿਆ ਸਾਰੀ ਡੋਰੀ ਬਾਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੰਤ ਗਇਓ ਬਿਹਾਲ ਪਇਓ ਅੰਤਰ ਗਇਓ ਬਿਹਾਲ ਪਇਓ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਡੋਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਤੜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੁੱਟ ਪੋਟ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਿਮਨਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਟਣੀਆਂ ਖਾਣ ਕੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਹਨੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਕਰਤ ਫਤੂ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਫਤੂਹੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਭਇਓ ਬਾਜ ਜਿਮ ਪ੍ਰਾਨਨ ਹਾਨ ਬਾਜ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਤ ਹੱਥ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਅਬ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਗਾਥਾ ਮਨ ਮੈਂ ਤਬਿਆ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਦੇਵੋ ਤਿਨੇ ਮਰਨ ਅਬਲਾ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣ ਸਨ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਾਕੂ ਆਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂ ਪਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਝਟਪਟ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆ ਫੜ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੜ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਨੋ ਸਮੁਖ ਤਿੰਨ ਬਾਕ ਸੁਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਹ ਬਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਏ ਰਹਿ ਕੈ ਜੀਵਤ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਤਰੈ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਨਿਅਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਨਾਨਿਓ ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੇ ਤਬ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਿਆ। ਪਇਓ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਸੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਚਿਤ ਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਦਸਾ ਬਾਜੇ ਅਸ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਤ ਤੁਰਤ ਤੁਰੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਰਤ ਤੁਰੰਗ ਚੜ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਰ ਚਲਿਓ ਬਿਲਮ ਕੋ ਖੋਏ, ਝਟਪਟ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਜ ਲਮਕਾ ਕੇ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਿਖਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਗੁਰੂ ਨਿਕਟ ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਟਪਟ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਦੀਨ ਮਨਾ ਚਿਤ ਲਾਜ ਪਰੋਏ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਜ ਬਿਠਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜ। ਕਰ ਜੋਰੇ ਜੁਗ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਰਾਵਰ ਕੋ ਅਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀ ਜੈ ਨਿਜ ਕੀ ਜੈ ਸਵਧਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਕ ਨ ਮਾਨਿਓ ਪਇਓ ਦੋਸ਼ ਬੜ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈ ਅਬ ਬਖਸੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ, ਇਹ ਬਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ। ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਸਦਾਇਓ ਪ੍ਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ ਸਦਾ ਹੀ। ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਸੋ ਆਪ ਮਹਾਨ, ਆਪ ਮਹਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹੋ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਝਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਤੂਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਫਤੂਹੀ ਸਗਲ ਬਤਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਮ ਟਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਏ ਬਿਠਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰਾ ਗਇਓ ਲੰਘਾਏ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਡੋਰਾ ਲੰਘਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਛਿਨ ਪਾਇਓ ਬਿਹਾਲ ਮਰਨ ਕੋ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚਨਿਓ ਪਹੁੰਚ ਨਿਓ ਆਨਿਓ ਉਤਲਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਧਟਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਚਿਤ ਚਹੋ ਜੀਵਾਇ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਨਾ ਤੁਰ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲ ਮਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਿਠਾਵਨ ਕੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਪਇਓ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਐ ਬਾਜ, ਡੋਰਾ ਬਦਨ ਨਿਗਲ ਤੈਂ ਲੀਨ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਡੋਰਾ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਮ ਨਿਗਲਿਓ ਤਿਮ ਉਗਲ ਤੁੰਡ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖਾਧਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਿਗਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਉਗਲ ਦੇ। ਸਾਵਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਲ ਪੀਣ, ਪੂਰਾ ਬਲ ਲਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਡੋਰਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਹਿਮ ਪੰਨ ਤੇ ਤਤ ਛਿਨਹੀ ਮਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਉਸ ਬਾਜ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰ ਉਗਲ ਕਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਡੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਝਟਪਟ ਬਾਹਰ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਪਰਿਓ ਗੁਰੂ ਆ ਗਏ ਤਬੈ ਕੀਨ ਬਿਲੋਕਨ ਡੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਡੋਰਾ ਬਾਜ ਨੇ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਤੂਹੀ ਬਿਸਮ ਕਰ ਰਹਿਓ ਜੁਗਲ ਕਰ ਜੋ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਤੂਹੀ ਗੁਜਰਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ
ते हाथ जोड़ रहा है। श्री सतगुर समरथ तुम सब विद सकत विशाल। महाराज सच्चे पातशाह आप शक्तियां दे मालक हो ते हर तरह नाल वड्डे विशाल हो। मारने हर जीवा विनो करो बाक के नाल। वड्डे ता एक बचन नाल ही मरना ते जोना हो जांदा है। यो दोस सो बख्शिए लीजे बाज संभाल। महाराज सच्चे पातशाह जेड़ा मैं गुनाह कीता बख्श देवो ते बाज थोड़ा है तुसी रख लवो। इमकै गमनियो सदन को कर बंदन तत्काल। इस तरह फिर महाराज जी नू बचन करके बंदना करके नमस्कार करके अपने घर वाल प्रस्थान किया। ये कौतक महाराज जी ने ही वरताया भी ये मन विच बाज का मोह ना रहे। वस्तुआं रहन पर गुरु दियां जान के सिख वरते ते मोह ग्रस्त ना हो जाए। इसलिए महाराज ने अपने सिख दे मन चों मोह ममता दा नाश किया है। सतगुरु पातशाह मेहरां कर देवण बख्शां कर देवण। असी वस्तुआं नूं वरतीए पर अपनी होमे करके नहीं भी मेरा है मैं लियांदा मैं कमाया बल्कि इस भाव नाल कि हे गुरु तेरा है ते तू बख्शिया है तू झोली च पाया है। सिक्खी बनी रहिंदी है सतगुरु पातशाह जी की मेहर होवे। बाकी विचार आप गुरु बख्श सदका कल सरवण करोगे। बहुत सारिया संगतां रांची तो कोई 150 दे करीब भाई मनीष जी दे नाल तखत साहब की जियारत करन वास्ते श्रद्धा सत्कार सहित पहुँचिया हुई हैं। उन्होंने अज सारे सत्कारयोग प्रधान जी का जन सकत्र जी का सकत्र जी का और दास दा भी बहुत सन्मान किया है। इन्हां सारियां संगतां दा ही भाई मनीष जी दा महाराज जी दे तखत साहब वालों बहुत सन्मान है। गुरु साहिब इन्हां नूं सदा ही खुशियां बख्शी रखण। गुरबाणी टीवी जो है टाइम टीवी चढ़दी कला दा उह सवेरे 6 तों लै के 10 बजे तक लाइव टैलीकास्ट करदा है सारी दुनिया विच और शामी 4:30 बजे तो लैके 8 बजे तक कथा की समाप्ति तक सारा लाइव टैलीकास्ट चलता है। आप सारे इसका लाभ प्राप्त कर रहे हो तो होर ज़्यादा आप संगतां महाराज जी के घर नाल जुड़ो। आने वाले दिनों में वड्डे समागम उलीके गए हैं और सरावां आदिक का निर्माण हो रहा जिस लई पेटावां संगतां दीआं पहुँच रही हैं और होर संगतां अपनियां पेटावां भेज के महाराज दीआं खुशियां दिन रात प्राप्त कर रही हैं। वड्डियां वड्डियां शख्सियतां सारियां गुरु निवाजियां होईयां सत्कारयोग जथेदार अवतार सिंह जी हित मुख सेवादार तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब अते जन सकत्र सरदार इंद्रजीत सिंह जी टाटा नगर वाले भाई हरबंस सिंह जी खनूजा इत्यादक सारिया संगतां और प्रबंधक साहिबान महाराज जी के चरण परसन लई हाजरियां भर रहे ने। थोड़ी जी सेहत ढिली है जथेदार सरदार अवतार सिंह हित होना दी आप अरदास करो। महाराज सच्चे पातशाह सेहत बख्शण चढ़दी कला बख्शण ते महाराज जी की सेवा विच संगतां बहुत दूर दराज तो फोन करके पुछदियां ने भी उन्होंने कदों हाजरी भरनी है। बहुत पंथक दर्द वेदना और गुरु पंथ का प्यार ते गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार उन्होंने हिरदे विच महाराज जी ने दक के निवाजिया होया और सेवा विच रोम रोम करके समर्पित ने। गुरु पातशाह सब दियां हाजरियां अपने घर विखे प्रवान करन बारंबार सब का हार्दिक तौर पर धन्यवाद फुलां चुक्कां की खिमा। आओ सारे मिल के 2 मिनट महामंत्र गुरमंत्र दे जाप नाल जुड़िए फिर सारे मिल के अरदास ते फिर खिमा प्रार्थी होवांगे। कोई रसना वांझी ना रहे। वाहे गुरु 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 वाहे
गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु 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 वाहे वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु वाहेगुरु जी की फतेह। कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज आप जी के चरण कमलां दा कोटान कोट रोम रोम शुकराना। आप जी ने मेहर कीती है अपने घर दियां हाजरियां बख्शियां हन समूह संगतां दियां हाजरियां पेटावां पावनावां अरदासां बेनतियां दर प्रवान करो दरों करो सिखी।